तो बल्लेबाज मैदान के अंदर हम देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। अश्विन मांगेला ट्वेल्थ मैन कंपल्सरी है। अगर पहली गेंद गिरने तक ट्वेल्थ मैन नहीं आया तो पेनल्टी दी जाएगी। दोनों टीमों से गुजारिश होगी। दृष्टि टीम के ट्वेल्थ मैन आ चुके हैं। तो पहले वो लेकर आएंगे मैन फ्रॉम दहेरी एज अ आइकॉन मिस्टर दुर्गेश मांगेला। दुर्गेश मांगेला स्ट्राइक पर मैन फ्रॉम विरार अरनाला से बिलोंग करने वाले आइकॉन खिलाड़ी हैं। विघ्नेश साकल तोड़े नॉन स्ट्राइक पर सचिन ऐसे दो सलामी बैटर। सेकंड राउंड का पहला मैच देख सकते हैं। एक ओपन टीम में से पहली टीम कौन सी क्वालिफाई होगी सुपर एट में। फुल टॉस बॉल इस वक्त सीधे बल्ले से खेला शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया गया जिग्नेश द्वारा। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की गई गेंदबाज दुर्गेश। फुल टॉस बॉल थी लोअर फुल टॉस बॉल शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को तैनात रखा था। अच्छी फील्डिंग की गई। अभी तक चार टीमें क्वालिफाई हो चुकी है सुपर एट में। एसटी पैनल से पहली टीम मोजिश वॉरियर दूसरी टीम बीटी वॉरियर्स वलसाड़ पहले दिन में। फुल टॉस बॉल फिर एक बार ऑन साइड पर गेंद को खेला गया डीप में। वैभव है जब तक गेंद की तरफ आएंगे गेंद को फील्ड किया जाएगा। थोड़ी सी गेंद उछाल लेकर उनके हाथों में आई है। एक रन जरूर बटोरा गया। दो गेंदे एक रन लगे स्कोर कार्ड पर। कल के दिन में हमने देखा दो टीमें क्वालिफाई हुई हैं। पहली टीम क्वालिफाई होती हुई शार्वी इलेवन गांवदेवी तिल से और दूसरी टीम क्वालिफाई हुई हम देख सकते हैं सुमित फाइटर देहरी। ऐसी चार टीमें सुपर एट में जा पहुंची हैं। इस वक्त बैट का बाहरी सिरा शॉर्ट थर्ड रन पर खिलाड़ी मौजूद। थोड़े से गेंद को रोकने में असहाय नजर आए। एक रन बटोरा गया दोनों बल्लेबाज द्वारा। हर्ष वहां पर थे। एक रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली जहां पहुंचे दो अंकों पर। गेंदों की बात की जाए गेंदे हो चुकी हैं तीन तीन गेंदे और दो रन लगे स्कोर कार्ड पर। इस वक्त जड़ में रखा था खुद का निकाला बेहतरीन गेंद परफेक्ट यॉर्कर गेंद को डाला गया था मगर उतनी खूबसूरती से गेंद को खेला। एक रन बटोरा गया विघ्नेश साकल तोड़े द्वारा। एक रन के साथ स्कोर कार्ड जहां पहुंचा तीन गेंदों की बात की जब गेंदे हो चुके हैं जो चार गेंदे तीन रन लगे स्कोर कार्ड पर। इस वक्त ऑन साइड पर खेला गया डीप में वैभव है मगर गेंद मैदान के बाहर। सचिन के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन सिक्स और छह रन। छह रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचे इस वक्त हम देख सकते हैं नौ अंकों पर नाइन। तो देख सकते हैं पांच गेंदे और रनों की बात की जाए नौ रनों पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पहली चार गेंदों में तीन रन पांचवी गेंद पर बेहतरीन सिक्सर देखने को मिला बल्लेबाज सचिन द्वारा। फिर से एक बार आखिरी गेंद लेकर दुर्गेश मांगेला। इस वक्त ऑफ साइड पर गेंद को खेला गया शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद गेंद को फील्ड किया जाएगा। एक रन जरूर बटोरा गया राज वहां पर नजर आया। एक रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जा पहुंचा एक ओवर के समाप्ति के बाद डबल फिगर में दस। अभी तक बात की जाए तीन गेंदे खेली है विघ्नेश ने दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तीन गेंदे खेली है बल्लेबाज की बात की जाए सचिन ने और आठ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त आनंद पटेल गेंदबाजी के लिए आएंगे एक अनुभवी गेंदबाज अच्छे गेंदबाज है आनंद की बात की जाए बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त देखा जाए उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दृष्टि वॉरियर्स उम्र साड़ी टीम के लिए तो अपने कोटी की पहली ओवर लेकर आएंगे टीम के तरफ से। दूसरी ओवर थोड़ा सा जरूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दस नंबर की जर्सी परिधान की गई है आनंद द्वारा। स्ट्राइक पर हम देख सकते हैं तीन गेंदे आठ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन ऑन स्ट्राइक। इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खेला गया लॉफ कर दिया खिलाड़ी काफी दूर वैभव गेंद की तरफ आ गेंद को रोकने का प्रयास था मगर गेंद वन बाउंस लॉन्ग ऑन के ऊपर से कौशिक जब तक गेंद को फील्ड करके मैदान के बाहर। चार रन बटोरे गए चार रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जहां पहुंचे इस वक्त 14। हम देख सकते हैं उद्वा के प्रेक्षक इस मैच का आनंद लेते हुए। मैं वेलकम करना चाहूंगा फिर से एक बार 31 हमारे साथ जुड़े हुए हैं दवनेकर फैमिली है अच्छे से मैच को आनंद लेते हुए। बजरंगी उद्वा जरूर इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी कल भी जरूर उद्वा की एक टीम खेलती हुई नजर आएगी मैदान के अंदर। अक्षय दवनेकर इस मैच का आनंद लेते हुए मार्ग जिला सदस्य हैं।
और यहाँ पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग राज द्वारा, मगर एक सिंगल बटोरा गया। गुरु से क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित हम देख सकते हैं एक आइकॉन टूर्नामेंट नजर आती हुई आज एक गांव एक ओपन टीमें खेलती हुई नजर आई है। आज के दिन में कासर वडोली टीम खेलती हुई नजर आई जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, वैभव है थोड़ा सा अपने आप को रोका, गेंद को फील्ड किया गया, वन बाउंस, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो देखने को मिलता हुआ, एक्यूरेट थ्रो देखने को मिलता हुआ, अभी मांगेला विकेट कीपर के हाथों में जाकर समावेश होता हुआ। स्वीट 16, 16 अंकों पर जा 50 स्कोर कार्ड। अभी भी आने वाली गेंदों की बात की जिस ओवर में गेंदों का खेल बाकी होगा, तीन पहली गेंद पर चौका, पिछली दो गेंदों पर दो सिंगल आए हैं। फिर एक बार ऑन साइड पर कारपेट द्वारा गेंद को खेला गया डीप में, दर्शन दर्शन जब तक गेंद को फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे, एक रन के साथ संतोष सोना का दो नहीं, बल्लेबाजों को रनों की बात की जाए रन जा पहुंचे 17-17। अभी भी इस इनिंग में अभी तक बात की जाए 10 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। पावर प्ले के दूसरे ओवर पर गतिपथ पर आनंद पटेल फिर एक बार गेंदबाजी के होते हुए तैयार। थोड़ा सा जरूर यहां पर देख सकते हैं गेंदबाजी करते थोड़े से लड़कर आए थे आनंद, गेंद छूटी है मगर डेड बॉल अंपायर दर्शाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया शशि यादव, आपका कीमती वक्त यहाँ पर निकाल कर पहुंचे, राकेश कोंडे के काफी नजदीकी दोस्त हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया सीधा डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए, विघ्नेश साखल तोड़ के बल्ले से बेहतरीन सिक्सर आता वरुण जा पहुंचा 23-23। साकल थोड़े से छक्का बटोरते हुए अभी तक गेंदें डाली जा चुकी है, 5-5 गेंद में 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला गया राज, वहां पर जब तक शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड करेंगे जब तक थ्रो किया गया एक सिंगल बटोरा गया। ओवर नंबर समाप्त हुए, दो ओवर के समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए रन जा पहुंचे 24-12 के औसत रन बनाए गए, इस ओवर में 14 रन बटोरे गए। 18 तारीख को जरूर मेगा फाइनल देगा मगर 18 तारीख को बुराक हर्बल के माध्यम से बॉडी चेकअप रखा गया, रिलैक्स होम में आप जाकर वहां पर फ्री में बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। बुराक हर्बल के माध्यम से कैंसर डायबिटीज जो भी पेशेंट हो आपको फ्री चेकअप किया जाएगा रिलैक्स होम में। अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो यासिन शेख साहब से आकर आप संपर्क कर सकते हैं, यासिन शेख साहब हमारे मंच पर हैं, उनका नंबर आप तक दिया जाएगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बुराक हर्बल के माध्यम से बॉडी चेकअप के लिए रिलैक्स होम में। 18 तारीख को फ्री चेकअप होगा सभी के लिए, खिलाड़ी यहां पर जो जुड़े हुए आपके फैमिली को लेकर आप पहुंच सकते हैं वहां पर चेकअप के लिए। दुर्गेश मांगेला जिन्होंने पहली ओवर डाली थी, बात की जाए 10 रन खर्च किए तो वही गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। इस वक्त ऑफ्टन के बाहर थोड़ी सी गेंद खेला गया, खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील करते हुए नजर आए दीपक, तब तक 1 रन बटोरा गया, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड जा बचा 25। विघ्नेश साकल थोड़ी की बात कीजिए छक्का उनके बल्ले से, अभी तक 11 पर बल्लेबाजी कर रहे, गेंदे खेली है 7 मगर 6 गेंदे खेली है सचिन ने, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक चौका एक छक्के में से 3-14 पर बल्लेबाजी करते हुए। इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खड़ी कर दिया आसमान में दुर्गेश मांगेला गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच दुर्गेश मांगेला द्वारा, सचिन मैदान के ऊपर पहला छटका लगता हुआ इस वक्त टीम एस के ब्रदर तलासरी को। तो नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे, मिस्टर दीपेश गोलप मैन फॉर्म वाड़ा तालुका अलमान से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए दीपेश गोलप, पहले मैच में जरूर उपस्थिति नहीं थी, इस मैच में उपस्थिति है। गोलप इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए बैटिंग के लिए आए हैं, हम देख सकते हैं तीसरे क्रमांक पर, उन्होंने की बात की जब 25 पर
एक विकेट गवाया। बल्लेबाजी करती हुई टीम हल्के बल्ले से खेल दिया ऑफ साइड पर, गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई दीपक आए हैं, गेंद को फील्ड किया जाएगा मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी वहां पर हैं। हर्ष बैकअप दिया गया, एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ गया 26-26 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। अभी भी बात की जाए तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, दुर्गेश ने विकेट जरूर छटकाया अपने टीम के लिए। 25 पर पहला झटका उन्होंने दिया, सचिन को मैदान के बाहर भेजा जो हावी नजर आ रहे थे। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला लेट कट, काफी देर तक गेंद को देखी, आखिरी पल में गेंद को बल्ले से मात्र स्टर किया, एक सिंगल बटोरा गया विघ्नेश साकेत तोड़े द्वारा। रनों को पहुंचाया 27 27 अंकों पर, 27 पर जा बचा स्कोर कार्ड। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला दीपक, एक तक गेंद की तरफ आएंगे, गेंद को फील करने का प्रयास, एक रन बटोरा गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड के बाद 28-28। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर दुर्गेश ने कमबैक बढ़िया किया, दो ओवर में 24 थे, इस ओवर की बात की जब 5 गेंदें डाली, 4 सिंगल मात्र खर्च किए गए सचिन जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर भेजा है। आखिरी गेंद का खेलना बाकी हुआ, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर बेहतरीन शॉट डीप में, खिलाड़ी मौजूद है और यहां पर गलती कर बैठे, कैच को छोड़ा और 4 रन का खामियाजा इस वक्त भुगतना पड़ा टीम को। रन की बात की जाए रन जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन लगे स्कोर कार्ड पर 31-31 32-32 पर जा पहुंचे स्कोर कार्ड। तो विघ्नेश को जीवन दान दिया गया, हर्ष वहां पर आए तो कैच को लपेटने का प्रयास, कैच छोड़ा और यहां पर 4 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा। रनों की बात की जब 32-32 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, लेकिन बाज आनंद पटेल जिन्होंने पहली ओवर डाली 3 रन खर्च किए थे 14, वही गेंदबाज गेंदबाजी के लिए दीपेश गोलब 2 गेंदे 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे आईकॉन दोनों ही आईकॉन खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए। ओहो थोड़ा सा शफल, थोड़ा सा बाहर हुई थी गेंद ऑफ्ट के बाहर, अंपायर के दोनों हाथ खुलते व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 33-33 रनों पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। देख सकते फिर एक बार गेंदबाज आनंद पटेल गेंदबाजी के लिए। ओहो बढ़िया गेंद, इस वक्त ये बढ़िया गेंद है, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, गेंद टप्पा के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकाली, आनंद पटेल के बाद ये क्षमता है वो दिखाते हुए इस वक्त मैदान के अंदर अच्छी गेंद डाली गई व्हाइट के बाद, ये बढ़िया कमबैक में होगा, बिंदी गेंद डाली गई, रन रुके हुए 33 अंकों पर। फिर एक बार क्रॉस बैट खेलने का प्रयास, लगातार 2 गेंदे डॉट, खड़े खड़े खेलने का प्रयास है, पिछला पैर पॉपिंग क्रीज में, अगले पैर की बात कर थोड़ा सा मोड़ कर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, गेंदों पर नजर नहीं रख पा रहे, कहते ना कि नजर आपको रखना काफी जरूरी होता है गेंदों पर। इस वक्त ये फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट फाइंड लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया गया, भाविन वहां पर नजर आया गेंद को फील्ड करते हुए, एक रन बटोरा गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली 34 पर जा पहुंचा 34। 3 गेंदे अभी तक, एक व्हाइट बॉल, 2 गेंदे बिंदी, एक सिंगल जरूर देखने को मिलता है। आनंद पटेल को यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी है क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर, रनों की बात की जो रन जा पहुंचे 34-34। क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था, गेंद आकर जरूर बदल होती, विघ्नेश साकल थोड़ी के खिलाफ एक गेंद डॉट डाली गई, विघ्नेश की बात की जब देखिए एक छक्का एक चौका उनके बल्ले से जरूर देखने को मिलता हुआ। 16 पर बल्लेबाजी कर रहे, 10 गेंदे और 16 पर बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर विघ्नेश साकल थोड़े, 6 सिंगल छोटी गेंद, फिर से एक बार ऑफ के थोड़ा सा बाहर रखा, व्हाइट बॉल अंपायर ने दूर दर्शाया, व्हाइट के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए ना, स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 35। इस ओवर की बात की जब अभी तक गेंदे डाली जा चुकी हैं 4, 2 व्हाइट गेंदे, एक सिंगल, 3 गेंदे बिंदी, गेंदबाजी करते हुए मिस्टर आनंद पटेल। इस वक्त रडार में थी गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, विघ्नेश साकल दौड़ के बल्ले से आता भाई, 3 सिक्सर 6 रन, रनों में होती हुई तब्दील, इसको काट जा बचा इस वक्त 41-41। 22 पर पहुंचे विघ्नेश, गेंदे खेली अभी तक 11-11 गेंदे, 22 पर बल्लेबाजी करे, पिछले मैच में 47 लगाए थे इस बल्लेबाज ने,
अभी भी गेंदों की बात की जाए, आने वाली मात्र एक गेंद का खेल बाकी होगा। फिर से एक बार बैक टू बैक डाउन द ग्राउंड, गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। बेहतरीन बेहतरीन छक्का बल्लेबाजी, 28 पर पहुंच चुके हैं। और टीम स्कोर कार्ड की बात की जाए, टीम स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 4 ओवर के समाप्ति गत 47-47। बल्लेबाजी के लिए जरूर कॉल होगा अगर लॉन्गो पर खुर्शीद भाई तोतला टाइगर का जो बैनर लगा है उस पर अगर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो 5,000 का इनाम दिया जाएगा तोतला भाई की तरफ से। इरशाद शेख इनके बैनर पे अगर छक्का लगेगा तो 5,000 का इनाम दिया जाएगा। माजी पत्रकार हम देख सकते हैं ये सागर बोरसे साहब मैच का आनंद लेते हैं हमारे मन से यासीन भाई के साथ में। काफी सीरियस है इस मैच को लेकर, इस प्रतियोगिता को लेकर यासीन भाई को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। उनकी टीम एक मैच जीत चुकी है, काफी खुश है सागर बोरसे भी आज के दिन में। तो गेंदबाज की बात की जैसे गेंदबाजी के लिए आए हैं अभिषेक मांगेला मैन फ्रॉम दमन, आइकॉन खिलाड़ी है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद इस वक्त बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, शॉट टर्नमेंट पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड किया गया, हर्ष वहां पर नजर आया मगर एक रन बटोरा गया। एक रन के साथ 48 पर पहुंचा स्कोर कार्ड 48। इस वक्त स्विच हिट अल्टी पल्टी गेंद मैदान के बाहर होती हुई कल्टी 6 रन, हैट्रिक छक्के लगा चुके हैं अभी तक। बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर विघ्नेश साकल थोड़े बात की जाए 34-34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदे खेल चुके अभी तक 13 गेंदे 34 पर हैं। पहले मैच में 47 बनाए थे, इस मैच में 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पास 50 लगाने का मौका। अभी तक दो बल्लेबाज हम देखे हैं, पहले मैच कल के दिन में हमने देखा युवराज डुकले मैन फ्रॉम त्रिशवाड़ा से बिलोंग कर उनके बल्ले से 52 आए। आज के दिन में हमने देखा एक गांव एक ओपन में 63 बल्लेबाजी करते हुए आकाश रिपट ने लगाए, तीसरे बल्लेबाज बनने का मौका है इस वक्त विघ्नेश साकल थोड़े के पास। फुलटॉस बॉल ऑफ साइड में गेंद को खेला गया, क्या विकेट ट्रैवल होती है, खूबसूरत खूबसूरत शॉट और इस वक्त कॉन्फिडेंट थे बल्ले से गेंद आई, रन दौड़ने का मन नहीं बना और चौका जरूर देखने को मिलता हुआ 4 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचे इस वक्त हम देख सकते हैं 58-58। 38 पर पहुंच चुके हैं, गेंदे खेली जा चुकी है 14 गेंदे 38 पर बल्लेबाजी का करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर विघ्नेश, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार बड़े शॉट्स में गेंदों को तब्दीली करते हुए नजर आए। अभी तक मात्र 6 सिंगल उन्होंने ली है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था ऑन साइड पर, ऑफ्टर थोड़ा सा बाहर की गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास मगर अभिषेक मांगेला ने गेंद को थोड़ा सा तेज रखा डॉट बॉल। अभी तक गेंदों की बात की जाए गेंदें हो चुकी है 4 गेंदें, 2 गेंदों का खेल बाकी होगा, एक सिंगल एक चौका एक छक्का जरूर आता हुआ इस ओवर में। आगे निकले ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, वहां पर विकेट कीपर जिग्नेश आए गेंद को फील्ड करने का प्रयास, एक सिंगल बटोरा गया बैट एंड पैड शुरू देखने को मिलता हुआ। एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 39 पर पहुंच चुके विघ्नेश, गेंदे खेली जा चुकी अभी तक 16 गेंदे उन्होंने खेली है। दीपेश गोलब थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी करते हुए, मिस टाइम जरूर हुआ गेंदबाज अभिषेक मांगेला, गेंद के नीचे विघ्नेश नौ स्ट्राइक पर हैं, दीपेश मां गोलब इस वक्त मैदान के बाहर, विकेट नंबर इस वक्त देख सकते हैं हम दूसरा बैक तो डगआउट होने की बात की जाए 59 पर लगने वाला दूसरा झटका। ओवर नंबर समाप्त हुए इस वक्त 5, अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी 59 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। चलिए इसके बाद जो टॉस किया जाएगा फेज वॉरियर कासर वडौली और एसएस फाइटर, एसएस फाइटर और फेज वॉरियर कासर वडौली के कप्तान टॉस के लिए आई है। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अश्विन मांगेला बल्लेबाजी के लिए आते हुए, अश्विन मांगेला न्यू बैटर मैदान के अंदर, आखिरी ओवर लेकर आएंगे राज आखिरी ओवर लेकर आते अपने टीम के लिए। थोड़ी सी सोचा की जाएगी मगर स्ट्राइक पर देख सकते हैं हम विघ्नेश साकल थोड़े 59 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड
पांच ओवर समाप्त हुए हैं। इस वक्त इनसाइड एज रन लेना नहीं चाहते विघ्नेश। तो डॉट बॉल जरूर आई है, देख सकते हैं अभी तक 17 गेंदे 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो गेंदे डॉट अभी तक खेली है, मात्र 3 गेंदे डॉट खेली है, 4 गेंदे राकेश कुंडे में दर्शाते हुए। इस वक्त मिस टाइम गेंद के नीचे हर्ष, और इस वक्त हर्ष नहीं करेंगे गलती, विघ्नेश साकल तोड़े 39 रन की पारी खेलकर मैदान के बाहर। आने वाले आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी होगा, देखा जाए कौन से नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आगे। चलिए बैटर जरूर भेजिए, इसके बजे बैट्समैन लगे पाठ वाइज चला 30 सेकंड जाए तुम तो बैटर मैदान चार पद ये अनिवार्य शरीर दक्षता क्या। तो 18 गेंदे और 39 रन की पारी खेलकर मैदान के बाहर आए हैं विघ्नेश साकल तोड़े। अच्छी बल्लेबाजी उनके बल्ले से, हमने देखे 4 छक्के और 2 चौके उन्होंने लगाए अपने टीम के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी। मगर 59 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, 59 में 39 लगाए विघ्नेश साकल तोड़े ने बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए। अर्जुन अर्जुन ने बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे। चलिए टॉस के लिए आइए बोथ ऑफ कैप्टन्स अक्षय धवनेकर, हम देख सकते हैं मैच का आनंद लेते हुए हमारे मैदान के बाहर से पालघर जिला परिषद सदस्य हैं नए बल्लेबाज। अभी तक देखा जाए राकेश भाई दोनों ही बल्लेबाज नए, कोई नहीं, दोनों बल्लेबाज ने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। यहां पर दबाव बनाने का मौका राज के पास है, डेथ ओवर चल रही है, यहां से डॉट गेंदें डालनी होंगी। इस वक्त कलाई के साथ फ्लिक कर दिया डीप में, दर्शन गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन बटोरा गया, दूसरे का प्रयास किया जाएगा, जब तक थ्रो बेहतरीन थ्रो मगर थोड़ा सा वाइडिश रहा बैकअप के लिए दीपक के, मगर 2 रन बटोरे गए, 2 रन के साथ 61 पर जा बचा स्कोर कार्ड, 61 पर जा पहुंचा। 3 गेंदों का आखिरी 3 गेंदों का खेल बाकी होगा मैदान के अंदर। फिर से एक बार इस वक्त गेंद को उड़ाया डीप में दर्शन, ओहो प्रयास तो अच्छा किया था मगर गेंद मैदान के बाहर, 6 रन 67 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड, 67 अंकों पर। गेंदों की बात की जाए गेंदी हो चुकी अभी तक 4 गेंदे, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। आज की पहली 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए थे। चलिए एसएस फाइटर कासरवाड के कप्तान आ चुके हैं, एसएस फाइटर समीर भाई, एसएस फाइटर के कप्तान को बुलाइए, कासरवाड आ चुकी है। इस वक्त खड़े खड़े खेलने का प्रयास अश्विन मांगेला, तो तेजी से दौड़े, 1 रन पूरा किया, 22 का कॉल अंपायर दर्शाते हुए, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 68। इस ओवर में बात की जाए तो 9 रन आए हैं, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी, छक्का जरूर आया मगर अच्छी गेंदबाजी कहना चाहेंगे। 5 गेंदे में मात्र 9 रन खर्च किए गए, आखिरी गेंद का खिलाना बाकी होगा। राज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार अश्विन मांगेला इस वक्त स्ट्राइक पर। चलिए एसएस फाइटर सूरत टॉस के लिए आइए, इस वक्त बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद के नीचे इस वक्त भाविन और बल्लेबाज अश्विन मांगेला शून्य पर मैदान के बाहर। ओवर नंबर 6 समाप्त हुए हैं, 6 ओवर के समाप्ति के रनों की बात की जाए, रन लगे उसका 69 रनों का लक्ष्य होगा। चलिए नील पटेल तुरंत टॉस के लिए कैप्टन को भेजिए प्लीज, थोड़ा सा वॉर्म करते आइए कैप्टन, थोड़ा सा दौड़ते हुए आइए टॉस के लिए।
तो चलेंगे मैदान के अंदर। भवीन हलपति एक तरफ नजर आएंगे, एक तरफ दुर्गेश मांगेला, दो सलामी बैटर मैदान के अंदर। चलो फील्डिंग तुरंत सजा ले विघ्नेश, तुरंत फील्डिंग सजून घ्या, क्षेत्र से लगे सजून घ्या प्लीज। एक सामना अजून खेळवायचा आपल्याला आजच्या दिवसामधला। दूर देखा जाए पांचवी कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, एक तरफ पंतु राणे की टीम नजर आ रही, एक तरफ स्ट्राइक पर भाभी नजर आएंगे, नॉन स्ट्राइक पर दुर्गेश, नियाज शेख सर की टीम खेलते हुए नजर आ रही है, इसके ब्रदर्स फील्डिंग करती हुई नजर आएगी, इसके बाद तलासरी अंपायर का इशारा लेट्स प्ले का आता हुआ। दो खिलाड़ी को देख सकते हैं हम, डीप में रखा, डीप मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को रखा गया, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। इस तरह की फील्डिंग सजाएगी, अश्विन मांगेला इस वक्त पहली ओवर लेकर आएंगे। पिछले मैच में मात्र 8 रन खर्च के 2 ओवर डाले थे, 2 विकेट चटकाने के कारण मैं कहता अश्विन मांगेला गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार। पहली गेंद इस वक्त अपील की गई, उल्टी ओवर बल्लेबाज मैदान के बाहर, लेग बिफोर के रूप में भावीन इस वक्त रॉयल लेग का शिकार, शून्य का चश्मा पहनकर बैक चौड़क आउट। अश्विन मांगेला ने पहला विकेट चटकाया, खूबसूरत गेंद डाली गई, पहली गेंद पर बेहतरीन स्टार्ट। सिक्सटी रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा गया इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद पर बेहतरीन शुरुआत की गई इस वक्त बल्लेबाज की बात की जाए, मिस्टर आकाश बल्लेबाजी के लिए आएंगे। तो चलेगी इस वक्त अश्विन ने पहली गेंद पर विकेट चटकाया, नए बल्लेबाज आकाश मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। आज एक गविक की ओपन टीमें खेलती हुई नजर आ रही है, बेहतरीन मैच कल भी हम देखेंगे एक गविक ओपन की टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। डाक्टी ढानू कराड़ सातर से बिलोंग करने वाली टीमें नजर आएंगी, ढानू से दो टीमें, सिलवासा की टीम संजान से बिलोंग करने वाली टीमें खेलती हुई नजर आएंगी मैदान के अंदर। तो अश्विन मांगेला फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, राइट हैंड बैटर आकाश ऑन स्ट्राइक। इस वक्त इस गेंद को लॉफ कर दिया विघ्नेश, मगर गेंद मैदान के बाहर आर पार, 6 रन। इस वक्त छोटी गेंद थी, इस गेंद का फायदा उठाया, पुल कर दिया, गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट आकाश के बल्ले से, 69 का पीछा करना, पहली गेंद पर विकेट जरूर चटकाया मगर दूसरी गेंद पर करारा प्रहार, 6 रन के लिए भेज दिया गेंद को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, तीसरे क्रमांक पर 6 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए, टीम का खाता भी खुला है 6 रनों के साथ, यहां से बनाने 63 34 गेंदों में। इस वक्त ऊपर रखा था गेंद को, हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास, विकेट के पीछे हम विकेट कीपर देख सकते हैं सचिन नजर आ रहे विकेट के पीछे। फिर एक बार अपील जरूर की गई, लाउड इट देख सकते हैं इस वक्त उंगली यहां पर उठी है बल्लेबाज मैदान के बाहर। अच्छी गेंदबाजी अश्विन द्वारा, एसएस फाइटर टीम अपना टीजन बताइए, एसएस फाइटर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, बल्लेबाजी का न्योता दिया कासार वड़ौली इस टीम को, कासार वड़ौली की सभी खिलाड़ी से गुजारिश करूंगा, हमारे डगआउट की तरफ है, आपके कप्तान बुला रहे हैं आपको। आनंद पटेल इस वक्त नए बल्लेबाज, 69 का पीछा करना है, आकाश ने छक्का जरूर बढ़ रहा मगर उनका विकेट भी चटकाया अश्विन मांगेला, पलटवार के लिए जाने जाते हैं, दो विकेट अभी तक चटका चुके हैं। दुर्गेश मांगेला नॉन स्ट्राइक गेंद पर है इस वक्त, आनंद पटेल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, उम्बरसड़ी से बिलोंग करते इस वक्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दृष्टि 11 वॉरियर्स उधवा ये टीम के लिए खेलते नजर आएंगे, पंतु राणे उधवा से बिलोंग करते हैं इस वक्त,
इस टीम के स्पॉन्सर है, उनके माध्यम से टीम प्रोवाइड की गई है इस प्रतियोगिता में। और एक तरफ नियाज शेख मैन फ्रॉम तलासरी, उनकी टीम खेलते नजर आ रही है, इसके एस की ब्रदर्स तलासरी। फिर से बार अश्विन गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर आनंद पटेल, बढ़िया गेंद थी, खूबसूरत गेंदबाजी। बात की जाए राकेश सर, बहुत से कम ऐसे गेंदबाज देखने को देते तेज गति में गेंद को घुमाव देते हैं, और अश्विन के पास वो कला है, दर्शाते हुए गेंद तेजी से डाल रहे हैं और अंदर और बाहर निकालने की क्षमता इस गेंदबाज के पास है। पहले मैच जब खेली थी विश्व विघ्नेश और हमारी चर्चा हुई कि इस गेंदबाज काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, गेंद ने काटा बदला, अंपायर ने दोनों हाथ अपने खोले, व्हाइट बॉल का इशारा किया गया। ये पहली व्हाइट गेंद आई है इस ओवर में। रनों की बात कीजिए 7 अंकों पर जा पहुंचा, गेंदों की बात कीजिए गेंदें हो चुकी है 5, एक छक्का, एक वाइड गेंद, एक बिंदी गेंद और 2 विकेट चटकाने में कामयाब हुए गेंदबाज। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से बार अगली गेंद लेकर आनंद के लिए, जड़ में रखा था मिस टाइम, विकेट कीपर सचिन गेंद के नीचे, आनंद पटेल मैदान के बाहर, 3 विकेट पहली ओवर में चटकाए। गेंदबाज अश्विन मांगेला ने मात्र 7 रन खर्च किए गए, बेहतरीन गेंदबाजी अश्विन मांगेला द्वारा, विकेट नंबर 3 बैक चौड़क आउट मात्र 7 अंकों पर। दीपक इस वक्त न्यू बैटर मैदान के अंदर। गेंदबाजी की बात की जैसे गेंदबाजी के लिए विकास को बुलाया जा रहा है। तो विकास आए हैं इस वक्त नए गेंदबाज, पिछले मैच में 5 विकेट चटकाए थे, 5 पर पूरा किया था, मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था। ये अच्छा बैटर होगा, दोनों ही खिलाड़ी जो आमने सामने, दुर्गेश मांगेला जिन्होंने मैन ऑफ द मैच दिया गया था पिछले मैच में, वो स्ट्राइक पर होंगे। और गेंदबाजी के लिए विकास इस वक्त, दुर्गेश मांगेला को अपने टीम के लिए विकास करना होगा क्योंकि 7 रन लगे, 3 विकेट अभी तक गवा चुकी, यहां से 62 बनाने हैं आने वाली 5 ओवर में। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, रचनात्मक रूप देखने को मिलता हुआ, एक डॉट बॉल जरूरवादी बिंदी गेंद खेलने का खेला गया। इस वक्त बड़ा शॉट खेलने की चाह, विपुल गेंद के नीचे और विपुल ने बढ़िया कैच लपका, दुर्गेश मांगेला सिलवड़ा का शिकार, बैक छोड़ा आउट, बड़ा बड़ा विकेट, बड़ा विकेट, दुर्गेश बैक छोड़ा आउट। और यहां पर चौथा छटका मात्र, देख सकते हो 7 रनों पर 4 विकेट गवा चुकी है टीम उमर सड़ी। नए बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी मैन फ्रॉम दमन अभी मांगेला इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे बल्लेबाजी के लिए छठे क्रमांक पर। एक बार गेंदबाज गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद डॉट डाली, दूसरी गेंद पर विकेट चटकाया। इस वक्त गेंदबाज फिर एक बार विकास गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर रहा, ऐसा आइकॉन खिलाड़ी अभी मांगेला मैन फ्रॉम दमन। छोटी गेंद, हल्के बल्ले से खेलने का प्रयास, विकेट कीपर गेंद को फील्ड कर दे, तब तक कोई रन नहीं पूरा किया बल्लेबाजों ने, डॉट बॉल। अजरुद्दीन भी मैच का आनंद लेते हम देख सकते हैं। अजरुद्दीन वेलकम, आपका भी हार्दिक स्वागत।
चलेंगे इस वक्त फिर से एक बार मैदान के, 7 रन मात्र लगे हैं, 4 विकेट गवा चुकी है टीम। इस वक्त ऑन साइड पर कॉर्नर, कमेंट्री बॉक्स को सलामी करने वाली गेंद 6 रन के लिए। अभी मांगे लगे बल्ले से आता हुआ बेहतरीन शॉट 6 रन, दीपेश गोलब हम देख सकते हैं काउ कॉर्नर, उन्हें पता कि इतना बेहतरीन शॉट खेला है मिस्टर अभी मांगेला ने। रन की बात कीजिए, रन जा 25 रन पर 11, यहां से बनाने 58 58। आने वाले गेंदों की बात कीजिए, अभी 26 गेंदे और 58 रनों का लक्ष्य होगा, मैच ऑन है। दीपक और अभिषेक को यहां से एक पार्टनरशिप की दरकार होगी, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने होगी, 20 25 रन की पार्टनरशिप लगाने होगी, मैच में कमबैक किया जा सकता है। इस वक्त दृष्टि 11 वॉरियर्स के लिए, एक बार मिस टाइम गेम के नीचे विपुल, ओहो बढ़िया कैच, अभिषेक मांगेला मैदान के बाहर, विकेट नंबर 5 हुआ, बैक छोड़ा आउट। तो जिग्नेश आए हैं नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, हम देख सकते हैं काफी दबाव में है टीम, 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा एसएस फाइटर सूरत, तो एक तरफ फिज वॉरियर, तलासरी कासार वडोली, ये दो टीमों के बीच में मैच होगा। अभी तक इस प्रतियोगिता में 103 रनों का हाई स्कोर लगाया गया कासार वडोली की टीम के द्वारा, और इंडिविजुअल स्कोर की बात की जाए 63 रन लगाए आकाश रिपट ने, ये रिकॉर्ड नाम है कासर वडली के। छोटी गेंद क्रॉस गए, खेलना चाहते थे बल्लेबाज जिग्नेश, मगर बिंदी आती भी गेंद, ओवर नंबर 2 समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्त किया, रनों की बात की जाए रन लगे स्कोर कार्ड पर, फिलहाल हम देख सकते हैं 11 11 रन लगे हैं और विकेट गवा चुकी टीम अभी तक 5, 3 विकेट चटकाए अश्विन मांगेला ने, 2 विकेट चटकाए हैं मिस्टर विकास ने। तीसरी ओवर में कौन से गेंदबाज गेंद, चलिए अभी अश्विन थोड़ा सा जल्दबाजी कीजिए, अश्विन मांगेला को इस वक्त गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। तो अश्विन फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आएंगे, अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आएंगे, देख सकते हैं दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी नजर आएंगे, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी को तैनात किया गया, डीप लॉन्ग ऑन, डीप कॉर्नर पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट, डीप बैकवास्ट को लेग, इस तरह के 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर डीप लॉन्ग ऑफ, आयरिश लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी को रखा गया, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट पॉइंट सर्कल के अंदर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी सर्कल के अंदर रखा गया, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा आयरिश रखा गया, इस तरह की फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा सामने रखा गया स्ट्रेट में, दीपेश गोलब, डीप कॉर्नर में विघ्नेश साकल तोड़े, डीप मिड विकेट पर विपुल, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई, स्लोवर गेंद थी दीपक के लिए डाली गई। बात की जाए उमर सड़ी के खिलाड़ी और बात की जाए एक तरफ अश्विन मांगेला है, उन्हें पता है कि कौन सा बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करता है, उसी रिदम के साथ गेंदबाजी की जा रही है। अश्विन मांगेला एक छोटे कस्बे से बिलोंग करते, मगर क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा इस खिलाड़ी का इस मैच में। मिस टाइम हुआ गेंद के नीचे, विकेट कीपर सचिन, और 4th विकेट यहां पर चटका अश्विन मांगेला ने, 11 पर लगने वाला छठा छटका, बैक छोड़ेगा आउट। क्या गेंदबाजी की जा रही है, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाजों द्वारा, दीपेश गोलब और विघ्नेश साकल थोड़ी भी चर्चा कर रहे हैं, 69 डिफेंड करने थे, क्या गेंदबाजी की गई। नए बल्लेबाज राज इस वक्त मैदान के अंदर आएंगे बल्लेबाजी के लिए, तो लेफ्ट हैंड बैटर राज
यंग टैलेंट है। यहां से 11 पर 6 विकेट बनाने, 58 गेंदों की बात की जाए, अभी भी इनिंग में 22 गेंदे, फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बैटर के लिए फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी। देख सकते हैं हम ऑफ साइड पर तीन खिलाड़ी को दायरे के अंदर रखा गया, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई। तो अश्विन फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, अभी तक 4 विकेट अपने नाम किए हैं। इस वक्त देखा शॉट खेलना चाहते थे, शॉट फाइनल पर खिलाड़ी हैं, थोड़े से फंबल होते हुए एक रन जरूर बटोरा गया धोनी बल्लेबाजों द्वारा, एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 12। गेंदों की बात कीजिए, अभी तक 3 गेंदे डाली, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अश्विन। पहली ओवर डाली थी, 7 रन खर्च किए थे, 3 विकेट चटका, इस ओवर में अभी तक रन खर्च किए मात्र 1, और बात कीजिए 1 विकेट चटका गया। मिस टाइम, और इस वक्त 5 पर पूरा किया अश्विन मांगेला के लिए, तालियां बजने चाहिए, बेहतरीन गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं अश्विन। रौनक की बात की जाए, 12 पर लगने वाला 7वां छटका, जिग्नेश भी मैदान के बाहर। पहली मैच जब खेली थी बात की जाए टीम एसके ब्रदर्स तलासरी, 5 विकेट चटकाए थे विकास ने, इस वक्त दूसरे मैच में 5 विकेट चटकाए मिस्टर अश्विन मांगेला ने। 5 बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनकर मैदान के बाहर है, 5 बल्लेबाजों ने खाता नहीं खोला। भाविन शून्य पर मैदान के बाहर, दुर्गेश मांगेला शून्य पर, आकाश ने 6 रन बनाए, आनंद पटेल शून्य पर, दीपक की बात करें दीपक भी शून्य पर मैदान के बाहर। उसके बाद हमने देखा बल्लेबाज जिग्नेश, जिग्नेश भी शून्य पर मैदान के बाहर, 4 रन बनाए थे मिस्टर अभी ने, और 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज की बात करें राज ने बल्लेबाज हर्ष मैदान के, चलो हर्ष थोड़ा सा जल्दीबाजी में मैदान के अंदर, थोड़ा सा वार्म अप कर जाइए। हर्ष इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं 9वें क्रमांक बल्लेबाजी के लिए। फिर से एक बार मिस टाइम, मगर गेंद हवा में बाहर जाती हुई, दीपेश गोलभ गेंद को देखते रह गए, गेंद के निचले बल्ले पे लगा मगर छक्का जरूर आया। हर्ष ने इस वक्त आते ही बड़ा प्रहार किया, रन की बात की जाए रन को पहुंचा इस वक्त 18। अश्विन की बात की जाए, अश्विन ने दोनों ही ओवर में 2 छक्के खाए हैं, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का बट रहा था बल्लेबाज ने, उसके बाद इस ओवर की बात की जाए इस ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का आया, 18 पर पहुंचा स्कोर कार्ड, ओवर नंबर 3 प्रगति पथ पर है। नंबर समाप्त होते हुए 3 ओवर के समाप्त हुए, रनों के बाद के चरण 18। क्रिएशन किया गया, 20 लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर, अभी विवेक छक्का लगाया था, 20 लगे स्कोर कार्ड पर। विकास फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, तो यहां से अगर बात की जाए 49 बनाने इस मैच को जीतने के लिए, भी 18 गेंदों में। फिर से एक बार क्रॉस बैट खेला, डीप में खिलाड़ी है अभी अश्विन, मगर गेंद वन बाउंस, राज के बल्ले से चौका आता हुआ 24 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड 24। विघ्नेश थोड़ी सी चर्चा करेंगे, विकास की पहली गेंद पर चौका, सत्रह गेंदे 45 की अभी भी दरकार होगी इस मैच को जीतने के लिए। विकास गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार, देख सकते हैं हम स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बैटर राज,
रिवर्स खेलने का प्रयास किया गया, बेहतरीन शॉट यहां पर 12th मैन बैठे हुए, उन्होंने पहले ही बाप लिया था कि बल्लेबाज रिवर्स खेलेंगे और रिवर्स उन्होंने खेला भी है। बैक टू बैक दो चौके आए हैं। रोने की बात की जरूर जापो 28 इस वक्त बनाने की 41, 16 गेंद 41, मैच ऑन हो चुका है। देख सकते हर्ष टेक छक्का बटोरा और दो चौके लगा चुके हैं राज, तो यहां से उम्मीदों को जिंदा रखेंगे दोनों ही बल्लेबाज। रनों की बात की जाए तो 59 डिफेंड करने थे राकेश वर्मा के, पार्टनरशिप बल्लेबाजों के बीच देखने को नहीं मिली। पार्टनरशिप काफी जरूरी होती है, अगर लक्ष्य बड़ा भी आप चेस कर रहे हो या फिर छोटा, अगर पार्टनरशिप आप नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आपकी टीम बैकफुट पर नजर आती है। पहले दो गेंदों पर 8 बटर के विपुल की बात की जाए, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर उन्हें तैनात किया जाएगा, अच्छे कैचेस लपके विपुल ने, इस तरह की फील्डिंग है। ऑफ साइड पर दो खिलाड़ी को रखा गया, विघ्नेश लॉन्गर पर तैनात किया गया, विघ्नेश सकल तोड़े डीप लॉन्गर पर हम देख सकते हैं एक खिलाड़ी है, डीप विकेट और डीप काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी को तैनात किया गया ऑन साइड पर। उस वक्त बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल, थोड़ी सी गेंद को पीछे रखा, थोड़ी सी धीमी गेंद आई, विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। पहले 3 गेंदों में 8 आए, यहां से अगर 41 बनाने तो बात कीजिए बड़े शॉट खेलने होगी, क्योंकि गेंदों की बात कीजिए 15 गेंद 41, 7 विकेट गंवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। पिछले बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर राज और हर्ष, इस एक बार रिवर्स खेला डीप में, विघ्नेश साकल तोड़े, नहीं करेंगे गलती, बेहतरीन कैच, राज इस वक्त मैदान के बाहर, विकेट नंबर 8 हुआ, बैक छोड़ा आउट। अट्ठाईस तो नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर दर्शन आएंगे, दर्श बल्लेबाजी के लिए, एक तरफ दर्शन है तो एक तरफ हर्ष है। 8 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई 14 गेंदें बनाने 41, 41 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। फिजिक बार गेंदबाज विकास सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, कैच लेने का प्रयास किया था, देख सकते हैं मगर इस तरह के कैचेस चिपकते हैं हाथों में, मगर प्रयास अच्छा था खिलाड़ी का, गेंदबाज का, एक सिंगल बटोरा गया। रनों की बात की जाए रन जापो 29 यहां से बनाने 40, 13 गेंदे 40 रनों की दरकार होगी इस मैच को जीतने के लिए। आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा मैदान के अंदर, चौथा ओवर प्रगति पथ पर। मिस टाइम, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज या विकेट कीपर, और हर्ष इस वक्त मैदान का 9 छटके अभी तक दिए गए 4 ओवर में, 5 विकेट चटकाए अश्विन मांगेला ने, 4 विकेट चटकाए हैं विकास ने। विकास की बात की जाए इस प्रतियोगिता में 2 मैचों में मात्र 9 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, इस तरह की गेंदबाजी उनके नाम पर। अभी 2 ओवर का खेला आना बाकी होगा, 2 ओवर में बनाने इस मैच को जीतने के लिए, प्रति ओवर 20 के औसत से बनाने हैं जीतने के लिए 40, और आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। वैभव आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, वैभव और दर्शन, गेंदबाजी सूत्र विघ्नेश साकल तोड़े गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद फुल टॉस और इस वक्त कैच तो बढ़िया लिया था, बेहतरीन कैच लपका था, मगर ये 6 रन खिलाड़ी अपने आप बैलेंस नहीं कर पाया, विपुल कैच बढ़िया लिया था, मगर देख सकते हैं मैदान के बाहर चले गए, तालियां बजनी चाहिए विपुल के लिए, अच्छा कैच उन्होंने लपका था मगर अपने बॉडी बैलेंस नहीं कर पाए, मैदान के बाहर वो नजर आए। फुल टॉस गेंद थी, दर्शन की बात की जाए पहले गेंद पर छक्का आया, रनों की बात की जाए रन जापो चस्को कार्ड पर फिलहाल 35 पर जापो चस्को कार्ड, यहां से बनाने 34 34, 11 गेंदे 34 की दरकार।
फिर से एक बार मिस टाइम देख सकते हैं, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे, सचिन काफी दूर है, जब तक गेंद की तरफ आए दूसरा ना चाहते, दोनों बल्लेबाज दौड़े बल्लेबाज और यहां पर गलती कर बैठे, आउट। 36 पर टीम ऑल डाउन होती हुई इस मैच को जीता है 32 रनों से, 32 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। टीम की बात की जाए, एस के ब्रदर्स तलाश रहे नियाज शेख की टीम, तो फिर से एक बार थोड़ा सा असमंजस है मैन ऑफ द मैच के लिए, एक बल्लेबाज ने 39 लगाए मगर 5 विकेट 5 पर पूरे किए गए, उस खिलाड़ी को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच, अश्विन मांगेला। अश्विन मांगेला, अश्विन मांगेला इस वक्त मैन ऑफ द मैच के लिए आई है, और एसएस फाइटर आपको तुरंत फील्डिंग सजानी है। कासार वडोली की टीम आई हमारे डगआउट पर, 12th में दोनों का कंपल्सरी होगा हमारे कॉम्बॉक्स में। अश्विन मांगेला मैन ऑफ द मैच।